नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इसराइल ईरान युद्ध के बीच तुर्की पर बुधवार को आतंकी हमला हुआ। ये हमला तुर्की की राजधानी अंकारा में रक्षा कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री के मुख्यालय पर किया गया। आतंकवादी हमले में 10 लोग मारे गए और इसे हमले को 3 आतंकियों ने अंजाम दिया, जिसमें एक महिला आतंकी भी थी। सुरक्षा बलों ने महिला आतंकी समेत 2 हमलावरों को मार गिराया। सबसे अहम बात यह है कि हमले की टाइमिंग काफी सोच समझकर चुनी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान इस वक्त देश में मौजूदा नहीं है। वह ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को ही रूस पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि काफी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया है। तुर्की ने सीरिया और इराक पर की एयर स्ट्राइक। बता दें कि आतंकी हमले के बाद इस हमले का बदला तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन ने लिया है। तुर्की की वायुसेना ने बुधवार को इराक और सीरिया में कुर्दी आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। तुर्की ने पड़ोसी देशों सीरिया और इराक में जमकर एयर स्ट्राइक किए हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय में एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन के मृतकों की संख्या की पुष्टि की और इसे घृणित आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा की। स्थानीय मीडिया ने कहा है कि शुरू में अंकारा से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से शहर कहरामन काजान में स्थित स्थान पर बड़े पैमाने पर धुएं के गुब्बारे और आग जलती हुई दिखाई दी थी। हमलावरों को असॉल्ट राइफल्स और बैकपैक्स ले जाते हुए देखा गया। हालांकि उसने ज्यादा जानकारी दी नहीं दी है, जबकि निजी टेलीविजन नेटवर्क NTV ने विस्फोटक के बाद गोलीबारी की बात कही, जो लगभग शाम 4 बजे हुई। यह विस्फोटक इस्तांबुल में रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक बड़े व्यापार मेले के समय हुआ, जिसका दौरा यूक्रेन के शीर्ष राजनयिक ने इस सप्ताह की शुरुआत में किया था। टारगेटेड कंपनी तुषार तुर्की के रक्षा और विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अन्य परियोजनाओं के अलावा देश का पहला राष्ट्रीय लड़ाकू विमान KNN बनाती है और इसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। मिली जानकारी के अनुसार तुर्की में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी PKK ने ली है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।